नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव का माहौल आपको देखते बन रहा होगा, सब जगह राजनीतिक जो है सहमत का खेल चला था, वो सहमत का खेल समाप्त हो चुका है। तो अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला, और नालंदा जिला में हरनौत प्रखंड का नाम है और कोलावा पंचायत का नाम है, और यहाँ के जो मुखिया हैं हेना कौशल जी हैं, और इनके पति हैं जो कार्यवाहक हैं फिरोज इमाम जी। तो फिरोज इमाम जी से भी जानेंगे कि जनता ने इनको 5 साल का मौका दिया है, इन 5 सालों में इस पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना है, मैनिफेस्टो बना है। इसके अलावा महिला, चूँकि ये खुद महिला हैं, मुखिया हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था है, इसके अलावा युवाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, जो गिरिजन है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, जो इस पंचायत से लोग जो पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनके लिए क्या कुछ योजना है, इसके अलावा केंद्र सरकार और बिहार सरकार के अलावा इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा ताकि इनका नाम युगों युगों तक लोग जाने। पहले तो आपको 9 वर्ष को लेकर के बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जनता ने आपको 2022 में एक मुखिया पद के रूप में, हालांकि अपनी पत्नी को दिया है, तो आपको पहले तो 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। इस चैनल के माध्यम से टोटल पंचायत की जनता को भी प्लस बिहार की जनता को भी बहुत बहुत बधाई हो मेरी ओर से। जी अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो इस पंचायत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी क्या योजना होगी इस पंचायत का? सबसे पहले तो यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था प्राइमरी स्कूल को सही है, और उसके बाद रोड वगैरह जो खराब गया हुआ उसको सही करें, प्लस और सुरक्षा के हिसाब से उसको देखना है कि किस टाइप से सब सुरक्षित रहे हैं, एकता बना रहे हैं। ये बात है। अच्छा, आप वो जनता के बीच गए थे, कई लोग कई समस्याओं से भी आप रूबरू हो, तो कैसी कैसी समस्याएं आई और इस समस्या का निवारण कैसे करें? अभी तो यहाँ पे उस टाइप से कोई समस्या नहीं दिख रहा है, लेकिन इंदिरा आवास के लिए यहाँ पे बहुत शिकायत आता है। हाँ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना। जी जी, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत है कि जनता सहूलियत से सबको, मतलब जो आप जनता के बीच गए लोगों, जी जी, तो ज़्यादातर समस्या बोला कि इंदिरा ये प्रधानमंत्री। जी जी, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं जितना आसानी से वो लोग तक पहुँच सके। तो कैसे चिन्हित करेंगे आप? चिन्हित कर रहे हैं। अच्छा, अभी शुरू हो गया, मतलब जी जी, पदभार ग्रहण करने के बाद आप चिन्हित कर रहे हैं कि किनको ज़्यादा जरूरी है उसको पहले हम लोग प्राथमिकता देंगे। जी अच्छा, ये बताइए कि चूंकि ये महिला क्षेत्र है, महिला मुखिया हैं हेना कौशल जी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना बना है आत्मनिर्भर बनने की? अभी तो इस पर हम लोग काम नहीं कर सके हैं, लेकिन अभी इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ लघु उद्योग के लिए काम किया जाए। लघु मध्य? हाँ जी, लघु उद्योग में महिला सब पुरुष में भागीदारी बनाया जाए, मतलब महिलाओं का जैसे एक जैसे कई जीविका के द्वारा जो है कई योजनाएं हैं जो चला जी जी है। उसको इसके थ्रू आप करते हैं? जी जी। अच्छा, हर पंचायत में युवा वर्ग होते हैं जो अपने क्षेत्र में विकास के लिए काम करते हैं, तो युवा भी एक स्तंभ के रूप में होता है, तो युवाओं के लिए आपने क्या कुछ योजना बनाया है? युवा ही तो स्तंभ है, युवा ही तो हम लोग को यहाँ तक ले आया। जी, तो उसके लिए तो सब कुछ करना ही है ना भाई। जैसे कौशल विकास योजना के द्वारा जो है जी कई उसको महंगाई भत्ता मिलता है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। जी हाँ, तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबका नाम जुड़े। अच्छा जी, जिसको महंगाई भत्ता जो जी, मिलता जी, है जी। अच्छा, ये कई लोग जो है पंचायत में काम करते हैं, कई लोग पंचायत में काम करने के लिए रोजगार नहीं मिल पाता है, तो दूसरे राज्यों में प्लान करते हैं, तो ये मजदूरों को कैसे रोकेंगे? उसके लिए तो सरकार हम लोग को मनरेगा वाला जो कार्य है सबको उसमें लगाना ही, और उसको उस पर हम लोग का विशेष ध्यान है, उसके द्वारा सबको यहाँ पर रोजगार है, मतलब सबको रोजगार यहाँ पे मिलेगा। हाँ, जो प्लान करते हैं उनको, जी उनको रोजगार मिलेगा। जो केंद्र सरकार या बिहार सरकार की जितने भी योजना है उसको जो भी काम होता है सरकारी जो होता है, जी उनमें उनको काम मिलेगा, लोग रहेंगे। अच्छा चलिए, ये बात तो अच्छी बात है कि आप उनको प्लान से रोकेंगे, लेकिन ये बताइए कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो आपको तो करना ही है, भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त होकर एक काम कीजिएगा,
लेकिन आपके द्वारा कोई आपने ऐतिहासिक काम करने के लिए कुछ योजना बनाया है जो आपका नाम युगो युगो तक हो, जो आदर्श पंचायत साबित हो? उसके लिए तो प्रयासरत रहेंगे, लेकिन अभी तक उस टाइप का कोई स्कीम नहीं हमको समझ में आ रहा कि युगो युगो तक हम लोग। नहीं, जैसे हर कोई चाहता है कि मेरे कार्यकाल में एक ऐसा बेहतर से बेहतर जनहित में, जनहित में बेहतर से बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयासरत। हाँ, वही कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बेहतर से बेहतर जो जनहित के लिए, जनहित के लिए होगा। जी जी। अच्छा, यहाँ पे एक डिजिटल, जी उसका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल के लिए कर रहे हैं। जी जी, बात हुई है। यहाँ ग्राम पंचायत भवन है, उसमें वो लोग बैठेंगे और जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, विधवा पेंशन इसका उसका जो भी है, ऑनलाइन सब वहाँ पे काम। अच्छा, ऑनलाइन काम होगा। जी, जब पंचायत भवन का कुछ यहाँ व्यवस्था है कि नहीं? हाँ है, पंचायत भवन का व्यवस्था है। पंचायत उसी में उनको बैठाला भी जाएगा। अच्छा, और वहाँ पर नेट वगैरह का सुविधा दिया जाएगा, नेट वगैरह का सुविधा दिया जाएगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि कई लोग की समस्या को लेकर के है, जैसे कई लोग तो पेंशन मिलता है, कई लोग को पेंशन नहीं मिलता है, कई लोग को पेंशन रुक जाता है। जी वही है, वहाँ पे जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, बहुत से लोग नहीं जमा कर पाते हैं। इसके वजह से रुक जाता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे जमा करें, आसानी होगा और नहीं रुकेगा। और नए आदमी का नाम जोड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, उसमें सबको चिन्हित किया जा रहा है कि किनको जोड़ना चाहिए। अच्छा, खेल मैदान को लेकर कुछ योजना? अभी तो उसका योजना आया हुआ है, उसके लिए जगह हम लोग खोज रहे हैं। अच्छा, तो जगह आपको चिन्हित करना? हाँ, जगह चिन्हित करना है उसका। एक तालाब के लिए है, उसको सौंदर्यीकरण के लिए, तालाब सौंदर्यीकरण को, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, 7 निश्चय है नीतीश सरकार का, है पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, अभी पार्ट टूर तो अब चल रहा है, अभी स्टार्ट कहाँ हो पाया सर? अच्छा, अभी तो आपको पार्ट 1 में हम लोग हैं, अभी पार्ट 1 में ही है जी। पार्ट 2 का भी काम शुरू करना है। तो कैसे करेंगे आप? आ जाए उसको देखते हैं उसमें क्या क्या है, उसके बाद हम लोग उसी व्यवस्था को उसके बाद भी करेंगे जी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे आप अपनी जनता को? नहीं, आप तो भाई जीतने के बाद तो सब बराबर है मेरे लिए, और उनके लिए जो भी होगा, सबके लिए जो सहूलियत से होगा सब हम करेंगे। मतलब चाहे वो कोई भी हो? हाँ, कोई भी, लेकिन कोई भी। आप पंचायत के मुखिया हैं जी, और हर घर आपका एक, सब एक है जी, तो आपको सबको साथ लेकर चलना। जी, सबको साथ लेकर के चलना। तो हमारे साथ थे मुखिया की जो कार्यभाग हैं, उनका आपने सुना कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस पंचायत के विकास के लिए हर स्तर पे विकास किया जाएगा, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, वृद्धजनों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, इसके अलावा इस पंचायत को डिजिटल बनाने के लिए तमाम ऐसे काम किए जाएंगे ताकि इस पंचायत का नाम नालंदा जिला पे या पूरे बिहार पे इनका एक छाप छोड़े। चूँकि इससे पूर्व में जो मुखिया के द्वारा क्या कुछ काम किया गया था, हम लोग रास्ते में आए वहाँ पर देखे किस तरह से वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था नहीं है, हर घर शौचालय की बात कहें तो कई लोगों से मैंने बात किया, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि कई लोग तो ODF घोषित करवा लेते हैं, लेकिन अगर धरातल की जांच की जाए तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। तो इनको जनता ने 5 साल का मौका दिया है और इन्होंने कहा है कि हर स्तर पर विकास करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, बिहार सरकार की योजना हो, इसके साथ साथ इनके द्वारा एक आदर्श और डिजिटल पंचायत बनाने के लिए इन्होंने कई योजनाएँ बनाए हैं। तो आपने सुना कि इस पंचायत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ हम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, अब वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है ताकि अपने पंचायत को आदर्श पंचायत, डिजिटल पंचायत और उनके काम को एक आदर्श के रूप में जाना जाए। हम तमाम मुद्दों पर उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।